अब BA, BCom, DSE और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विजन सॉल्यूशंस के CCTV कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कॉन्टैक्ट करें 7857934410। सिवान के ऐसे छात्र जो कॉलेज की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी के सेशन लेट होने के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में उन छात्रों के लिए इग्नू स्टडी सेंटर बन रहा है बेहतरीन पढ़ाई करने का जरिया। सिवान शहर के महाकाल कंप्यूटर के द्वारा इग्नू में एडमिशन लेने की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है और सैकड़ों की संख्या में बच्चे महाकाल कंप्यूटर के माध्यम से इग्नू से जुड़ रहे हैं। जो लोग किसी कारण से अपनी पढ़ाई रेगुलर नहीं रख पाते उनके लिए इग्नू किसी वरदान से कम नहीं है। 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर PhD स्तर तक के कार्यक्रम इग्नू के द्वारा चलाया जाता है। इस विश्वविद्यालय की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रवेश लेने के लिए आपको साल भर इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। प्रवेश प्रक्रिया साल में 2 बार जनवरी और जून माह में होती है। देश के सभी बड़े शहरों में इग्नू स्टडी सेंटर है। आज इग्नू विश्व की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में उभर कर सामने आई है। विश्व के 26 देशों में इग्नू के कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहे हैं। देश में स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए इग्नू की तरफ से 24 घंटे का चैनल ज्ञान दर्शन भी चलाया जाता है। इग्नू साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन करती है, 1 बार जून में तो दूसरी बार दिसंबर में। जून में परीक्षा देने के लिए आपको 1 फरवरी से 31 मार्च तक परीक्षा फॉर्म जमा करना होगा, जबकि दिसंबर के लिए 1 अगस्त से 30 सितंबर तक आप अपना परीक्षा फॉर्म महाकाल कंप्यूटर सेंटर पर जाकर जमा कर सकते हैं। महाकाल कंप्यूटर के संचालक अभिषेक कुमार ने बताया कि कई सारी यूनिवर्सिटी लेट चल रही है, इसके कारण इग्नू से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। इग्नू समय से आपको शिक्षण कोर्स कंप्लीट कराएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि इग्नू में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं और महाकाल कंप्यूटर के संचालक ने क्या कुछ कहा। किस चीज़ का एडमिशन करा रहे हैं? महाकाल में मेरा एडमिशन पहले से ही है, मेरा सेकेंड ईयर मतलब अब चल रहा है। इस कौन सा कोर्स? BA कर रहे हैं सर। BA महाकाल से? जी जी। आखिर यहाँ से क्यों कर रहे हैं? यहाँ से देखिए, JP के यूनिवर्सिटी के अपेक्षा यहाँ पे जो है टाइमली मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं और हर एक सुविधा टाइमली हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं सर यहाँ से, इसलिए जो भी होता है यहाँ से एडमिशन हम ले लेते हैं। तो जो फीस होता है यूनिवर्सिटी की, फीस से सस्ता होता है ज़्यादा होता है? देखिए, फीस जो है हर एक जगह से यहाँ पे कम लगता है, मतलब जिस तरह से देखा जाए उस तरह से। और जो भी है, सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ से जानकारी हर एक चीज़ को मतलब दिया जाता है फ़ोन के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से, जो भी जानकारी है पूर्ण रूप से मिल जाती है। नाम बता दीजिए। मेरा राकेश यादव नाम हुआ। हम कोर्स लिए हैं BCom महाकाल से, जो इग्नू से करा रहे हैं, ताकि यहाँ से क्यों इसलिए लिए कि हम 2014 को इंटरमीडिएट पास किए हैं, JP में कराए कुछ नहीं हुआ, 15, 16, 17 तक देखे, फिर मेरे सोशल मीडिया से पता चला और प्लस यहाँ सिवान आए तो महाकाल कंप्यूटर के नाम से जाना कि इसमें देखा गया कि इग्नू के माध्यम से BA, BCom, BSE, MA, MCom, जिसमें BSE, BA, BCom 3 साल में और MA 2 साल में। तो हम कॉन्टेक्ट नंबर लिए, सर से बात किए, सर बोले कि एक बार ऑफिस आइए। ऑफिस आए तो मेरे को प्रोसेस बताएं कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है, आपको असाइनमेंट जमा कराएगा, समय पर फोन जाएगा, प्लस आपका जो फिक्स है एकदम फिक्स लिया जाएगा, इसमें जो भी है लिया जाएगा और टाइम के अनुसार आपके 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हम इग्नू से एडमिशन ले लिया। फायदे हैं बहुत, मतलब समझिए कि हम 14, हम आपसे बोलिए देना कि 14 का मेरा इंटरमीडिएट है, हम 3 साल बर्बाद हो चुके थे और ये मेरा समय के अनुसार समझिए कि कंप्लीट। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विश्वकर्मा शर्मा। और यहाँ से क्यों? जी, हम इस साल BA में एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट ईयर है मेरा। मतलब मैं अपने रिलेटिव से मतलब पूछ रही थी जब एडमिशन कराने के दौरान, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि JP अब बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो गया है, 7 ईयर 8 ईयर मैक्सिमम ले रहा है, मतलब एक बस ग्रेजुएशन कंप्लीट कराने में। तो यहाँ से वो लोग भी किए हुए हैं, तो वो लोग सजेस्ट किए कि यहाँ से करो, 3 साल में तुम्हारा
कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से एडमिशन ले लिया। तो जो जेपी यूनिवर्सिटी का फीस होता है वहाँ से फीस इसका कैसा? देखिए जेपी यूनिवर्सिटी के कंपेरेटिव तो फी यहाँ का काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन यही है कि टाइमली हो जाएगा क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की है और ये समय बर्बाद नहीं। हाँ यही बस, मतलब समय हमारा बच जाता है। 3 साल का कोर्स, 3 साल में जी। नाम बता दीजिए। सुरुचि। बताइए जी। मैं बीए में मेरा एडमिशन है और पहले तो मैं जेपी यूनिवर्सिटी से थी, मेरा बहुत सेशन लेट था जिसकी वजह से मैं इसमें एडमिशन ले ली इग्नू में। इसका सेशन टाइम टू टाइम यहाँ से हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कॉल द्वारा, मैसेज द्वारा, व्हाट्सएप से हर एक इन्फॉर्मेशन जानकारी दी जाती है। ये है कि थोड़ा फीस कॉस्ट है पर फिर भी ये नहीं लगता है, हम लोग को जानकारी इतनी मिलती है कि उससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट रहते हैं उस जानकारी से। 3 साल का जो कोर्स है वो कितने समय में यहाँ पूरा हो जाता है? 3 साल में फाइनल हो जाते हैं जी। और जेपी यूनिवर्सिटी तो 6-7 साल लग जा रहा है अभी, बहुत समय की बचत हो। हाँ, समय की बचत होती है। ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम वंशिका राज। 2018 में मेरा इस साल 2020 में ग्रेजुएशन पास आउट हो गया है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है यहाँ से इग्नू से, टाइम से 3 साल में हो गया है कंप्लीट। यूनिवर्सिटी में ज़्यादा समय लगता है? नहीं, इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जेपी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए यहाँ से एडमिशन लिए हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम ममता सोनी है। महाकाल जो है इग्नू से कोर्स कराता है, किस तरह के कोर्स यहाँ पर कराया जाता है? सर्वप्रथम तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला हमारे पास आए। इग्नू जो है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और विश्व का नंबर 1 विश्वविद्यालय बन चुका है आज के डेट में। इसमें अप्रॉक्स 3 करोड़ से ज़्यादा लड़के पढ़ते हैं। मैं इसमें विगत काम तो कर रहा हूँ 18-19 सालों से, लेकिन यहाँ सिवान में मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ और 20-22 हज़ार के आसपास बच्चों का हमने इसमें अलग अलग सत्रों में नामांकन लिया है। कुछ बच्चे MA और BA पास करके जा चुके हैं। सरकारी जॉब में जो लोग हैं वो लोग नामांकन ज़्यादा कराते हैं क्योंकि उनको विभाग से परमिशन लेके साथ साथ अपना पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे शिक्षक हो गए, जैसे जितने भी यहाँ सिवान ज़िले में जितने भी थाने हैं, हर थाने से अप्रॉक्स 1 दर्जन के आसपास पुलिसकर्मी हमारे यहाँ से BA MA कर रहे हैं। और कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं हमारे यहाँ? BA, BCOM, BSc, BBA, BCA, MA, MCOM, MBA, ये सारे कोर्सेस हैं। कोर्सेस तो काफ़ी ढेर सारे हैं। देखा जाए तो जितनी जेपी यूनिवर्सिटी है तो ये सारे 3 साल के कोर्स को 7-6 साल खींच रही है, तो ऐसे में क्या आपके यहाँ भी कोर्स जो 3 साल का उसका ड्यूरेशन बढ़ता है, समय बढ़ता है? सर हमारे यहाँ विशेषता इस यूनिवर्सिटी की यही है, 3 साल का कोर्स है तो 3 साल में हो जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा को जून में एग्ज़ाम देना है, किसी रीजन से नहीं दे पाता है जून में, तो उसका फिर से एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाता है और जून दिसंबर हर साल इसका परीक्षा कंडक्ट की जाती है। पिछले साल 2019 में जिन जिन बच्चों का एडमिशन हुआ या जिनका 18 में एडमिशन हुआ 18 वाले सत्र में, उनका 20 में कोई परीक्षा नहीं हुआ, केवल फाइनल ईयर के बच्चों का परीक्षा हुआ। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे और जो सेकंड ईयर के बच्चे थे उनका कोई परीक्षा नहीं हुआ, उनका असाइनमेंट के नंबर के बेसिस पे पास कर दिया गया। कितने बच्चे अभी सिवान से एडमिशन लिए हैं? मुझे लगता है कि सिवान ज़िले से अप्रॉक्स 40 हज़ार के आसपास बच्चे हैं, जिसमें मैंने खुद अपने हाथों से 24 हज़ार के आसपास बच्चों का नामांकन किया। जी सर, हर प्रखंड से लड़के आते हैं? सर हर प्रखंड से आज के डेट में तो मैं बोलूँ ऐसा कोई गांव नहीं होगा सिवान ज़िले में उस गांव का अगर 40-50 लड़का लड़की ना हो तो। चलिए, जो छात्र उनका कहना है कि जेपी यूनिवर्सिटी के अपेक्षा या फीस थोड़ा कॉस्टली है, जो आपने प्रश्न किया है काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं, सर आप कैलकुलेट कीजिए, जेपी यूनिवर्सिटी में जो BA में या BCOM में जो एडमिशन होते हैं उसमें अप्रॉक्स 3 साल में जो उनका फी स्ट्रक्चर है 6-7 हज़ार रुपये लगता है, हमारे पास 14-15 हज़ार रुपये लगता है, बता देते हैं हम लोग बच्चों को, लेकिन उसमें 12-13 हज़ार रुपये का बच्चों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अलग अलग सत्रों में इग्नू बुक भी प्रोवाइड करता है जो कि निःशुल्क होता है,
और जितनी भी बुक्स होती हैं वो स्टैंडर्ड होती है, जो एनसीईआरटी लेवल की बुक होती है उससे भी अच्छी बुक है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले जो लोग हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, तो सारे बच्चे इग्नू के बुक से ही स्टडी करते हैं। चलिए, जो सिवान के छात्र हैं, अगर आपसे संपर्क करना चाहे, इग्नू से एडमिशन लेना चाहे, तो कहाँ आपसे संपर्क करेंगे? सर, मैं अपना नंबर आपके चैनल के मार्फत से भी मैंने एक दो बार इंटरव्यू दिया है और भी अलग अलग चैनल, मैं सब बच्चों को ये बोलता हूँ कि मॉर्निंग में 9 o'clock से पहले या इवनिंग में 6 बजे के बाद मेरे नंबर पे बात करें। मैं अपने नंबर पे व्हाट्सएप मेरा हमेशा ऑन रहता है, व्हाट्सएप से जो भी पूछते हैं मैं उनको जवाब देता हूँ। और जितने भी मेरे नंबर्स हैं, मेरे स्टाफ हैं 18-19 के आसपास स्टाफ हैं, वो मेरे स्टाफ उनको क्विकली रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। नंबर बता देंगे 7004975883। मैं एक बार अपने नंबर को दोबारा बताता हूँ, 7004975883। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा इनकमिंग नंबर भी है। सुनना बता दीजिए। तो मेरा नाम अभिषेक पाठक, मैं प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स सिवान।